आज नहीं तो कल फूटेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मुख्य तौर पर हमारी तो हरियाणा सरकार से ही मांगे, जो हमारे कच्चे कर्मचारी है उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए कि 2023 में हरियाणा सरकार द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई थी जिसमें पेरोल के कर्मचारी को पक्का करने की बात कही थी, परंतु सरकार के और जो हरियाणा के जो लोकल प्रशासन है उन्होंने उस पत्र को ठंडे बस्ते में डाला हुआ था और हम ये मांग करते हैं कि सरकार से उस लेटर को तुरंत प्रभाव से लागू करवा जाए ताकि हमारे कर्मचारियों को पक्के होने का लाभ मिल सके। लेकिन सरकार ने तो जारी बयान जारी कर दिया है कि जो कौशल निगम के तहत जो 5 साल से ऊपर के होंगे उनको नियमित किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो कौशल रोजगार में हैं उनको पक्का किया जाएगा, पर मैं यहाँ आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर सरकार पक्का करना चाहती तो पक्के वाला वो चेहरे सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि 58 साल तक का जो नौकरी की गारंटी दी है, इसका मतलब सरकार की मंशा कर्मचारी विरोधी है क्योंकि वो 58 साल तक हमारे कर्मचारियों को कच्चा ही रखना चाह रही है। अगर पक्के रखने वाली बात थी तो सरकार एकदम रेगुलर पॉलिसी बना के इन कर्मचारियों को पक्का कर देती, इसी के विरोध स्वरूप हमारा यही मानना है और सरकार से मांग है कि कर्मचारी को पक्का कह जाए ना कि 58 साल की गारंटी दी है। दिक्कत है कहाँ, कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है उसके बावजूद। बिल्कुल, पीछे 4 तारीख को भी हमारे नगर निकाय के जो मंत्री है सुभाष सुधा जी, उनकी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो राज्य पदाधिकारी है उनसे कई बातों पर सहमति हुई थी, जिस प्रकार हमारे पेरोल के कर्मचारी उनको पक्का किया जाएगा, सफाई दरोगा साथियों को पेट्रोल का भत्ता और मोबाइल का भत्ता दिया जाएगा और नो वर्क नो पे का जो लेटर जारी हुआ था उसको समाप्त किया जाएगा, 311 का जो पत्र सरकार ने जो निगरानी कमेटी बनाई थी उसका भी पत्र रद्द करने के लिए आश्वासन दिया था। हमारे मंत्री जी ने बैठक में यही ऐलान किया था कि 10 तारीख से पहले मैं सभी पत्र जारी करवा दूंगा, परंतु कल 11 तारीख तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ था। इसके विरोध स्वरूप कल एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता श्री नरेश शास्त्री जी द्वारा की गई थी और उन्होंने इन सब बातों को पूरे हरियाणा के जो हमारे इकाई के पदाधिकारी है उनके समक्ष रखा था, सभी ने मिलकर इस आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है और सरकार से यही मांग की है तुरंत प्रभाव से सभी मांगों को लागू कर दे, नहीं तो 21 और 22 जो अगस्त है उसकी हम 2 दिन की पूर्णतः काम छोड़ हड़ताल करेंगे। अगर इस दौरान भी सरकार ने हमारी बात तो नहीं मानी है या हमारे कोई पत्र जारी नहीं किया तो ये हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए घोषणा कर दी जाएगी। कौन कौन से कर्मचारी? इसमें हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के हरियाणा में जितने भी इकाइयाँ हैं उनमें हमें सभी पदों के कर्मचारी, जिसमें क्लर्क हो गया, ट्यूबवेल बेलदार हो गया, PN हो गया, क्लर्क असिस्टेंट हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, असिस्टेंट सफाई सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट सफाई निरीक्षक हो गया, सभी पदों के कर्मचारी इस हड़ताल में पूर्ण रूप से शामिल होंगे।